ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कमजोर लोग हैं। जो योगी वही है, गुरु नानक जी को पढ़िए, गीता को पढ़िए, उसमें आपको परिभाषा होगी। ये योगी कौन है? माया के बीच में रहकर के माया से दूर। आ ये तो समय खत्म हो गया। आज हम लोग अक्टूबर में मिल रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी में चुनाव की तारीख आ जाएगी, जनवरी तक चुनाव की तारीख आ जाएगी। अन्याय सरकार नहीं कर सकती, एक साथ खड़े हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कमजोर लोग हैं। हम तो बड़े बड़े संतों को देख रहे हैं, ये पूजनीय संत हैं जहां दिखाई दे रहे हैं, एक जो गद्दी पे बैठ गए वो योगी नहीं है। जो गद्दी पे बैठे हैं वो योगी नहीं है। जिन्होंने गुरु नानक जी को पढ़ा होगा, जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, वो जानते हैं कि योगी की परिभाषा क्या है। माया के बीच रहकर के माया से दूर हो वो योगी होता है। जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। तो बताओ हमारे मुख्यमंत्री जी कहां माया से दूर है, कहां कुर्सी से दूर है, कहां दुख समझ पा रहे हैं। जो योगी वही है, गुरु नानक जी को पढ़िए, गीता को पढ़िए, उसमें आपको परिभाषा होगी। ये योगी कौन है? माया के बीच में रहकर के माया से दूर। माया के बीच में माया से दूर, और जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वही योगी है। लेकिन हमारा योगी तो मुख्यमंत्री जो है वो अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं। केवल कपड़े पहने से योगी नहीं होता। उस कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं, अगर आप न्याय करेंगे, दूसरों का दुख दर्द समझेंगे, तब आपको लोग कहेंगे कि आप योगी हैं। आप न दुख समझ रहे हैं, न किसी को न्याय कर रहे हैं, आप योगी नहीं हो सकते हैं। और अब तो समय खत्म हो गया। ये तो समय खत्म हो गया। आज हम लोग अक्टूबर में मिल रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी में चुनाव की तारीख आ जाएगी, जनवरी तक चुनाव की तारीख आ जाएगी। अन्याय सरकार नहीं कर सकती। अगर दिल्ली की सरकार हिलानी है हमें और आपको, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार हिलानी पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।